हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में डिसीजन ट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिसीजन ट्री के बारे में देखते हैं। डिसीजन थी, इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कवर किया है वो डिसीजन थ्योरी है। डिसीजन थ्योरी का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, वो आपने देख लिया होगा और उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। उसी तरीके से सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो भी आपने देख लिया होगा। चलिए थर्ड पार्ट जो इसका है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या है स्टूडेंट्स, डिसीजन ट्री यानी डिसीजन ट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हो दिस इज द डिसीजन ट्री। जस्ट मिनट, डिसीजन ट्री यानी जब आप कोई एक डिसीजन ले रहे होते हो तो उसका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव होता है, सेकेंड अल्टरनेटिव होता है। अगर आपने ये अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया है तो उससे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर आपने ये अल्टरनेटिव लिया है तो उससे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उससे क्या अगर आपने एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया है तो फिर आपने ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इससे क्या आउटकम आएगा, इससे क्या आउटकम आएगा, और इससे क्या आउटकम आएगा, और इससे क्या आउटकम आएगा। यानी डिसीजन ट्री, जिस तरीके से एक ट्री की कई सारी ब्रांचेज जनरेट होती हैं उसी तरीके से एक डिसीजन को लेने में अगर आपने एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है तो उससे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। तो डिसीजन ट्री क्या है, अ पे ऑफ टेबल अप्रोचेज इज यूजफुल फॉर ए नॉन सिक्वेंशियल और सिंगल स्टेज, बट मैनी रियल वर्ल्ड डिसीजन प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसीजंस। डिसीजन ट्रीज आर यूजफुल इन एनालाइजिंग सच मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेसेस। द पे ऑफ टेबल अप्रोच इज यूजफुल फॉर ए नॉन सिक्वेंशियल और सिंगल स्टेज, बट मैनी रियल वर्ल्ड डिसीजन प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसीजन। डिसीजन ट्रीज आर यूजफुल इन एनालाइजिंग सच मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस। व्हाट इज अ डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री स्टूडेंट क्या है, डिसीजन ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। डिसीजन ट्री इज अ डिसीजन ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिसीजन प्रोसेस, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, अ वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डाउन टू इजियर टू अंडरस्टैंड सिनारियोज। द ट्री इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। सो द ट्री इज दिस इज द नोड एंड दिस इज द ब्रांचेस। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज अ डिसीजन ट्री, अ डिसीजन ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन प्रोसेस, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्सिक्वेंसेस प्रोबेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, अ वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डाउन टू इजियर टू अंडरस्टैंड सिनारियोज। द ट्री इज मेनली कंपोज ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। सो स्टूडेंट डिसीजन ट्री कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट तो डिसीजन, स्टेट ऑफ नेचर, सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑब्लिक आउटकम्स। तो सर डिसीजंस आर चॉइसेस दैट आर मैनेजर हैज अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट टू चूज। डिसीजंस आर चॉइसेस दैट आर मैनेजर हैज एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट टू चूज। जनरली इट इज डिनोटेड बाय अ स्क्वायर नोड्स विद फ्यू आर्क एमिनेटिंग फ्रॉम इट इट सो इट टू शो चॉइसेस अवेलेबल एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद देम। डिसीजंस आर चॉइसेस दैट अ मैनेजर हैज एट अ पर्टिकुलर, यानी डिसीजन वो जो मैनेजर को लेना है, आर चॉइसेस दैट अ मैनेजर हैज एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट टू चूज। जनरली इट इज डिनोटेड बाई आई स्क्वायर नोड विद फ्यू आर एमिनेटिंग फ्रॉम इट टू शो चॉइसेस अवेलेबल एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैम। स्टेट ऑफ नेचर आर वेरियस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन दैट मे अराइजेस, इट इज डिनोटेड बाई अ सर्किल नोड विद फ्यू आर एमिनेटिंग फ्रॉम इट शो वेरियस पॉसिबिलिटी सिचुएशन दैट मे अराइज विद द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स आर द वेरियस सिक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन चॉइसेज एंड स्टेट्स ऑफ नेचर एट वेरियस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग।
कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्लिक आउटकम्स आर द फाइनल यूटिलिटी और कॉस्ट ऑफ एन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सो स्टूडेंट, व्हाट इज डिसीजन, व्हाट इज स्टेट्स ऑफ नेचर, व्हाट इज सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम्स. स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ नेचर डिसीजन ट्री नोटेशन कैसे हम देखते हैं, बॉक्स को, डिसीजन नोट. डिसीजन नोट यूज टू शो अ चॉइसेस दैट अ मैनेजर हैज टू मेक, तो उसको हम इससे शो करेंगे. A chance note is used to show that a probability outcome will occur. Lines connect outcome to their decisions, alternative choice or probability outcomes. So these are the decision tree notations. So student, ये जो आपका example है, इस example को आप, ये जो आपका example है, इस example को आप इससे समझ, इस नोटेशन के थ्रू समझ सकते हैं और यहाँ पर क्या इसकी डिफिनेशन दी गई है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको डिसीजन ट्री का कुछ बेसिक समझ में आया होगा. सो स्टूडेंट्स, स्टेप फॉर बिल्डिंग अ डिसीजन ट्री हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बिल्ड होगा. Determine the essential decisions and uncertainties. First is steps for building decision tree is first determine the essential decisions and uncertainties. Place the decisions and uncertainty in appropriate temporal sequence. Start the tree with a decision node representing the first decision. Select a representative but not necessary exhaustive number of possible choices for the decision nodes. For each choices, draw a chance node representing the first uncertain event that follow the initial decisions. Select a representative but not necessarily exhaustive number of possibilities. State for chance nodes. Contribute to expand the tree with additional decision nodes and chances nodes until the overall outcome can be evaluated. Roll back procedures for analyzing tree, whereas we build student steps for building decision tree. Abhi aap ek baar fir se dekh lijiye. Determine the essential decision and uncertainties. Yani ki jo bhi decision hame lena hai, uncertainties hai, usko hame determine karna hoga. Place the decision and uncertainty in the appropriate temporal sequences. Start the tree with a decision node representing the first decision. Selecting a representative number of possible choices for the decision node. Select a representative but not necessarily exhaustive number of possible choices for decision node. For each choice, draw a chance node representing the first uncertain event that follow the initial decision. Select a representative number of possible state for the chance node. Continue to expand the tree with additional decision node and chance node until the overall outcome can be evaluated. A rollback procedure for analyzing trees, whereas we built the tree, rollback procedure for analyzing trees, whereas we build the tree left to right to reflect a rollback procedure for analyzing trees, whereas we build the tree left to right to reflect the temporal sequence in which our decision is followed by a chance event. We evaluate the tree in the reverse direction at each chance node. We can calculate the expected payoff represented by the probability distribution at the node. This value becomes associated with the corresponding action branch of the decision node. Then at the decision node, we calculate the largest expected payoff to determine the best action. This procedure of making the calculations is usually referred to as rolling back the tree. First part is start from the last set of nodes, those leading to the ends of the path. Second point is for each chance node, calculating the expected payoff as probability weighted average.
of the values corresponding to its branches. Replace, third point is replace each chance node by its expected values. Fourth point is for each decision node, find the best expected value, maximum benefits or minimum cost among the choices corresponding to its branches. Replace each decision nodes by the best value and note which choices is best. Continue evaluating chance node and decision nodes backward in sequence until the optimal outcome at the first node is determined. Construct its risk profile. So this is the rollback procedure for analyzing trees. Next is students. Decision tree examples. Mary's factory. Mary is a manager of gadget factory. एक example के through हम इसको समझते हैं student. Mary is a manager of gadget factory. Her factory has been quite successful the past 3 years. She is wondering whether or not it is a good idea to expand her factory this year. The cost to expand her factory is $1.5 million. If she does nothing and the economy set good and people continue to buying lots of gadgets, she expect $3 million in revenue. Why only $1 million if the economy is bad? If she expand the factory, she expect to receive $6 million if the economy is good, and $2 million if the economy is bad. She also assume that there is a 40% chances of good economy and 60% chances of bad economy. Draw a decision tree showing these choices. Also tell what should Mary do. So student, this is the question. Mary is a manager of a gadget factory. Her factory has been unique, quite successful the past 3 years. She is wondering whether or not it is a good idea to expand her factory this year. यानी वो अपने factory को expand करेगी or not. The cost to expand her factory is $1.5 million. If she does nothing and the economy stay good and people continue to buy lots of gadgets, she expects $3 million revenue. While only $1 million if the economy is bad. If she expand the factory, she expect to receive $6 million if the economy is good and $2 million if the economy is bad. She also assume that there is a 40% chances of a good economy and 60% chances of a bad economy. Draw a decision tree. यानी अब हमको क्या करना है? Decision tree को draw करना है. तो student इस example को देखिए. ये क्या है? This is decision tree box. और यहाँ से expand. यहाँ से हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको गुड. अगर जो अगर एक्सपेंड करते हैं ये हमारा डिसीजन लेना. यहाँ से हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? अगर एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर एक्सपेंड करते हैं गुड इकोनॉमी है तो फिर रेवेन्यू कितना आएगा? $6 million. अगर बैड इकोनॉमी है तो रेवेन्यू कितना आएगा? $2 million. इसी तरीके से अगर हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं तो गुड इकोनॉमी है तो कितना रेवेन्यू आता? $3 million. अगर बैड इकोनॉमी है तो कितना रेवेन्यू आता? तो अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकाल लेंगे. यानी कि 0.4 जो कि मैंने आपको कल बताया था, 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू $3.6 million. उसी तरीके से अगर नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू आएगी 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू $1.8 million. तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू से एक मैट्रिक्स ड्रा कर लेंगे. जो कि मैट्रिक्स को ड्रा करके हम इस तरीके से ऑप्टिमल पे ऑफ टेबल निकालेंगे. जब प्रोबेबिलिटी एक्सपेंड डोंट एक्सपेंड ये हमने कल आपको बताया है. प्रोबेबिलिटी जब 0.4 0.6 यानी कि बैड इकोनॉमी गुड इकोनॉमी 0.6 तो 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.53. 0.0 माइनस 3 इज इक्वल टू बैड इकोनॉमी में 2.2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5 एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1. तो
नेट ईएमवी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4.5 प्लस 0.6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2.1। सो ऑप्टिमल ईएमवी इज इक्वल टू 2.1। सो एज ऑप्टिमल ईएमवी इज एसोसिएटेड विद एक्सपेंशन सो मैरिज शुड एक्सपेंड। सो स्टूडेंट ये किस एग्जाम्पल जो ये एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डिसीजन ट्री एग्जाम्पल टू। जॉ गैरेज इज कंसिडरिंग हायरिंग अनदर मैकेनिक। इस एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट्स, डिसीजन ट्री एग्जाम्पल नंबर टू। जॉयज गैरेज इज कंसिडरिंग हायरिंग अनदर मैकेनिक। The mechanic would cost them additional $50,000 per year in a salary and benefit. If there are a lot of accidents in Providence this year, they anticipate making an additional $70,000 in net revenue. If there are not a lot of accidents, they could lose $20,000 of a last year's total net revenues. Because of all the ice on the roads, Joe thinks that there will be a 70% chances a lot of accident and a 30% chances of fewer accident. Assume if he does not expand, he will have same revenues as last year. Draw a decision tree for Joe and tell him what he should do. So students, ये एक example है, I think आप इसको एक बार read करिए। जॉ गैरेज इज कंसिडरिंग हायरिंग अनदर मैकेनिक। द मैकेनिक वुड एक जॉ एक मैकेनिक को हायर करना चाहता है। द मैकेनिक वुड कॉस्ट देम एन एडिशनल $50,000 पर ईयर इन सैलरी एंड बेनिफिट। इफ देयर आर ए लॉट ऑफ एक्सीडेंट इन प्रोविडेंस दिस ईयर, दे एंटिसिपेट मेकिंग एडिशनल $70,000 इन नेट रेवेन्यू। इफ देयर आर नॉट ए लॉट ऑफ एक्सीडेंट, they could lose $20,000 of last year's total net revenue. Because of all the ice on the roads, Joy think that there will be a 70% chance of a lot of accident and 30% chance of fewer accidents. Assume if he does not expand, will have the same revenues as last year. Draw a decision tree for a Joy and tell him what he should do. Students, ye is tarike se hum ek डिसीजन ट्री, अगर वो हायर करता है फिर और यहाँ पर नहीं हायर करता है तो क्या होगा। तो अगर वो नहीं हायर कर रहा है तो कॉस्ट कितनी, $0। अगर हायर करता है तो कितना पे करेगा, $50,000। तो इंक्रीज इन एक्सीडेंट अगर होता है, अगर डिक्रीज इन एक्सीडेंट होता है तो प्रॉफिट कितना होगा, $20,000 माइनस में होगा और प्रॉफिट यहाँ पर $70,000 का प्रॉफिट होगा। तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ हायर मैकेनिक इज इक्वल टू 0.7 इंटू 70,000 प्लस 3 इंटू माइनस $20,000। तो स्टूडेंट इस तरीके से नेट ईएमवी ऑफ हायर मैकेनिक इज इक्वल टू 0.7 इंटू 70,000, 0.3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस $20,000 माइनस $50,000 इज इक्वल टू $7,000। सो नेट EMB if don't hire is equal to zero. Therefore, a Joy should not hire the mechanic. यानी उसको hire नहीं करना चाहिए। So student, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दो example देखे। Students, ये कुछ example है, आप चाहो तो इसको देख लो। Decision tree example number 3 and decision tree example drilling well. है ना student? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो देखा है वो क्या देखा है, डिसीजन ट्री। मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड करा देता हूँ। डिसीजन ट्री डिसीजन व्हाट इज डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन प्रोसेस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, अ वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डाउन टू इजियर टू अंडरस्टैंड सिनेरियोस। The tree is mainly composed of nodes and branches. Decision tree component. Decisions are choices that a manager has a particular time point to choose. Generally, it is denoted by a square node with few arcs emanating
फ्रॉम इट सो चॉइसेस अवेलेबल एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद देम स्टेट ऑफ नेचर आर वेरियस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन दैट मे अराइज इट इज डिनोटेड बाय अ सर्किल नोड विद फ्यू आर्क इमिनेटिंग फ्रॉम इट इज सो वेरियस पॉसिबल सिचुएशन दैट मे अराइज विद द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद देम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर द वेरियस sequences resulting from a specific combination of decisions, choices and states of nature at various stages of decision making. Consequences, oblique outcome are the finally utility or cost of a specific sequence of events. Student decision tree notations, a box, box ko decision nodes se use karte hain. Decision node is used to show a choices that the manager has to make. A circle, a chance node is used to show that a probability outcome that will occur. Connect outcome to their decisions, alternative choices or probability outcome. So student, एक example जो decision nodes और A and B a circle यहाँ पर दिया गया है. तो student, I hope आपको ये decision tree यहाँ पर समझ में आया होगा. तो student, आज इतना ही रखते हैं.